का आज रंगारंग आगाज हो गया, जिसमें आर्ट गैलरी में फोटो एवं बूंदी चित्र शैली और भिन्न भिन्न विषयों पर चित्रकृतियां प्रदर्शित की गई, जिसका उद्घाटन जिला कलेक्टर कुमारी रेणु जयपाल व सभापति मधु नुवाल ने फीता काटकर किया। इसी के साथ छायाकार शिव कुमार के द्वारा खींचे गए चित्रों पर बनी वीडियो डॉक्यूमेंट्री बूंदी न्यूज राजस्थान इंडिया का विमोचन बूंदी उत्सव के शुभारंभ मौके पर जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने किया। की वजह से बूंदी उत्सव को एक ग्रहण सा लग गया था और पर्यटक भी नहीं आ पा रहे थे पाबंदियों की वजह से, तो अब की बार लोगों में क्रेज है। विशेष रूप से देखा जा रहा है कि दो साल बाद हम उत्सव मना रहे हैं, जन जन का इसमें सहयोग है, बना रहे ऐसी अपेक्षा रखते हैं। बूंदी उत्सव अपने आप से काफ़ी महत्वपूर्ण इवेंट है, बहुत महत्वपूर्ण जो है वो एक प्रकार की शासनिक व्यवस्था है और इसमें जन जन का और अधिक जुड़ाव रहे तो ज़्यादा प्रासंगिक होगा। लैंडस्केप है, मॉडर्न आर्ट है, रियलिस्टिक वर्क है, ये एक खुला मंच है। इस खुले मंच में जो भी चित्रकार अपनी पेंटिंग यहाँ पे लगाना चाहता था उसकी हम लोगों ने पेंटिंग लगाई है ताकि उसको एक मंच मिल सके। आज जिला स्तर पर मंच मिला है, भविष्य में उसको राज्य स्तरीय मंच मिलेगा, राष्ट्रीय स्तरीय मंच मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी कलाकार है या जो पेंटिंग बनाने के इच्छुक है, वो लोग पेंटिंग किसी भी काम को पेंटिंग ही नहीं, जो भी कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसको रेगुलर करें, क्योंकि जहाँ तक काम रेगुलर नहीं होगा, जहाँ तक काम में रेगुलरिटी नहीं होगी, जहाँ तक पेंटिंग उसकी अच्छी नहीं होगी, जहाँ तक उसका काम अच्छा नहीं होगा, अपने आप को आगे बढ़ाना है तो आपको रोजाना भले ही एक घंटा ही काम करें पर काम जरूर करें। तो पर आर्ट गैलरी का आयोजन रखा गया है, सर इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये आयोजन बहुत अच्छा है। ये बूंदी में सबसे पहले मधुकर जी गुप्ता ने इसको प्रारंभ करा 96 में, उसके बाद रेगुलर चल रहा है और ये बहुत अच्छा है। बूंदी से ऐसे क्या जो पर्यटन स्थल है उसमें क्या लोगों को देखने को मिलता है और बूंदी का विकास भी होता है। मैंने इसी बीच में मैं शिव कुमार छायाकार हूँ बूंदी का। मैं कम से कम 30 साल से 40 साल के लगभग फोटोग्राफी का काम कर रहा हूँ। मैंने अभी हाल ही में आज ये 22 तारीख को एक बूंदी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है जिसमें बूंदी के पर्यटन स्थलों को दर्शाया गया है और मतलब नए नए एंगल से डिफरेंट एंगल से मैंने उसमें फोटोग्राफी करके वो तरह के की है और आज जिला कलेक्टर साहब ने उसका विमोचन किया है। बूंदी हमने इनके जो कैसेट बनाए उसमें थोड़ा सहयोग किया है, एडिटिंग वेडिटिंग वगैरह का। जी मेरा नाम मोहम्मद रियाज है
और ये जो कैसेट बनाई गई है बूंदी के विकास को आयाम देने के लिए, बूंदी के विकास को विश्व के मानचित्र पर लेने के लिए, ये हमारे सीनियर वरिष्ठ छायाकार है शिव कुमार जी, और मेरी उसके अंदर आवाज़ है। हम सब ने बहुत सहयोग से इस काम को किया है और मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये बूंदी उत्सव के मौके पर ये जो कैसेट का विमोचन किया गया है, हम लोग इससे अभिभूत हैं और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि जिस सुमकसद से हमने ये काम किया है वो आगे बढ़े। आज पापा ने बूंदी उत्सव पे बूंदी की चित्रशाला और जितने फोटो हिस्टोरिकल मूवमेंट है उसकी डॉक्यूमेंट्री का आज कलेक्टर साहब से विमोचन कराया और इस कार्यक्रम में हमने बूंदी उत्सव की जो झलकियाँ हैं वो सारी देखी और ये आगे भी हम अपेक्षा करेंगे कि इस तरीके से विमोचन और हिस्टोरिकल पैलेस को बढ़ावा मिलता रहे बूंदी उत्सव पे। दर्शन जो है आपका अपना विश्वास।